होते हैं, चार तरह के हैं, दैट इज अर्थमेटिक, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये चार तरह के होते हैं। मीन्स जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है वो चार तरह के हैं, जैसे अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो देखिए, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है कि एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है ये अच्छा, पहले आप ये जानिए कि ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं, और एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ये दो चीज आप यहाँ जानिए। तो देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं कि x प्लस वाई, ठीक, हमने x प्लस वाई लिखा, तो जो x है वो क्या है, x और y क्या है? ऑपरेंड ओके, और प्लस क्या है? व्हाट इज प्लस? सर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर है सर। प्लस को बोलते हैं ऑपरेटर। ओके, और एक्स वाई क्या है? वेरिएबल ऑपरेंड नहीं सर, नहीं वेरिएबल सर। वो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है, यही ना, सर ऑपरेंड्स। सो ये ऑपरेंड्स हो गया आपका, और प्लस जो है ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर जैसे जनरेटर, ऑपरेटर मतलब जो चलाता है जनरेटर को। ओके, एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो अर्थमेटिक वैल्यू टाइप ऑफ इंट, फ्लोट एंड डबल। सो मान लीजिए कि आपको एक इसको दिया हुआ है कि इसको इवेलुएट करिए, ठीक। सो जो सबसे पहला काम होता है वो होता है पावर का। जो सबसे पहला काम होगा वो होगा पावर का, ठीक है। ये इसको पावर बोलते हैं, एक्स टू द पावर वाई। उसके बाद स्टार, ओके, डिवाइड एंड मोड, उसका काम होगा। उसके बाद होगा प्लस माइनस, उसके बाद होगा असाइनमेंट का। इस तरह से काम करेंगे, जो भी ए पावर है, एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई। और ए स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए डिवीजन और ए मॉडुलस ऑपरेटर। और यह है प्लस और यह है माइनस और यह है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो एक्सप्रेशन है दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले काम किसका करेंगे? और देखिए, और जब आप बोलेगा कि तो फिर मान लीजिए कि स्टार और मल्टीप्लीकेशन, ए डिवीजन दोनों हो एक ही लाइन में, तो क्या करेंगे? तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, ठीक। पहले ऐसे काम करेंगे और उसके बाद लेफ्ट टू राइट एक जैसा होता है। ओके, सो देखिए, यहाँ 6 × 2 है, कोई पावर नहीं है इस पूरे लाइन में, कोई पावर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले और उसके पहले भी ब्रैकेट का काम होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। इन सबसे पहले ये ब्रैकेट का काम होगा, इन सबसे पहले। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को देखेंगे, जैसे 8, और कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करता है, ये भी ध्यान रहे। 8/4 को यहाँ देखिए किसको किया है, यहाँ पर क्या किया है कि 2 तो ठीक है, और इसको पहले किया है लेफ्ट टू राइट में, 2 × 1, तो 8 2 हो गया, और डिवाइड बाई 3, तो 2/3 हो गया, और 6 वैसे ही आ गया, 8 आ गया। 8/4 का अभी कुछ किया नहीं है, ठीक, क्योंकि कंप्यूटर एक लाइन बार में एक ही काम करता है। सो इसको भी वही कर दिए हम। अब यहाँ डिवीजन है, तो 2/3, 2/3 जीरो कैसे हुआ बताइए, कोई बताएंगे? बोलिए बोलिए, हाँ नहीं पता सर, देखिए, टू, एवरेज लिए हैं। हाँ, टू क्या है, इंटीजर है, और 3 क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर है सर। इसका वैल्यू तो 1 से कम आएगा, ठीक है। तो 1 से कम है सर तो इंटीजर इंटीजर नहीं होता है, तो इसीलिए 0 कर दिया है। तो 2/3 को 0 लिखेंगे कंप्यूटर में, प्लस 6 हो गया, और यहाँ 8 × इसको वही लिख दिया। अब देखिए, अब क्या करेगा, अब इसको करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, क्यों, क्योंकि हम ये इधर को लिखा है, पहले ये ब्रैकेट का काम होगा। तो देखिए, 6 × 2 / 6 × 2 / और 6 × 2 = 8, यहाँ 8 लिख दिए, और ये जैस का तस लिखते आ रहे हैं। अब इतना काम हो गया, तो इस ब्रैकेट का काम किया होगा, 8 × 8/4 को 2 कर दिए,
अब देखिए ए ये फिर इधर से करेगा, 6 इंटू टू जो है 12 कर दिया बाई 8, 6 इंटू टू 12 बाई 8 प्लस 8 इंटू टू यहाँ आ गया। अब इसको 1 प्लस 8 इंटू टू 16 और 1 17, ये आपका आंसर। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। ये चीजें आप पहले भी जानते हैं बट कंप्यूटर इसको कैसे करता है ये यहाँ बता रहे हैं। और परीक्षा में मान लीजिए आएगा कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक, ये एक्सप्रेशन को आप इवैल्यूएट करिए इसको, तो आप ऐसे ही करेंगे लाइन बाय लाइन। सर वहां पे अगर 4/3 रहता तब क्या करते सर? हाँ तो 4 कहाँ पर बताइए? सेकंड स्टेप में सर। हाँ सेकंड, ये वहाँ 4/3 रहेगा तो। हाँ अगर 4/3 रहता तो क्या फिर वैल्यू पुट करते? 1 आएगा, 4/3 = 1। ठीक है यस सर, 4/3 होगा तो 1 आएगा। देखिए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्क्रीन दिखाई दे रहा? यस सर। यस सर, योर स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। कौन सा ऑपरेटर पर आ रहे थे बोलिए? अर्थमेटिक ऑपरेटर सर। गुड, और इसको आप प्रोग्राम में जब टाइप कर दीजिएगा ना तो भी वो आपको आंसर दे देगा 17। ठीक है, प्रोग्राम लिख दीजिएगा इनपुट में वो दीजिएगा तो 17 आंसर दे देगा। तो देखिए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, आपको ये स्टूडेंट डाउट पूछ रहा है तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि भीड़ तो नहीं टाल सकते, सो मैं दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप लिख लीजिए कि int x equal to 4। ठीक है, और लिख लीजिए int, आपको जो भी डाउट हो आप प्रोग्राम करके ही देखिए, y equal to मान लीजिए कि क्या बोले थे 5, आप बोले थे 4, 3/4, 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन दे दीजिए। अब लिखिए int z equal to x/y। ठीक है, अब लिखिए रिटर्न 0। अब इतना करने के बाद आप इसको रन कराइए। ठीक है, सो जब प्रोग्राम रन करेगा तो देखिए आंसर कुछ नहीं दिया है। हाँ, और मान लीजिए यहाँ 30 दे रहे हैं तो क्या दे रहा है देखिए। क्यों नहीं दे रहा कोई बताएंगे? यस सर कुछ प्रिंट क्यों नहीं कर रहा कुछ भी सर? प्रिंट एफ कुछ लिखे ही नहीं, प्रिंट एफ है ही नहीं सर, कुछ क्यों नहीं लिखे? आप बोल नहीं रहे हैं सर। वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, जेड, हाँ अब देखिए जेड का वैल्यू क्या है, हमने 30/4 लिखा है तो 7 दे रहा है, 7 आया है, 7 ये वाला ये। ओके, अब देखिए इसको 3 कर दीजिए, 3/4 में क्या देगा? 0 दिया।
ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ फाइव कर दीजिएगा तो क्या होगा, फाइव बाई फोर, तो देखिए वन देगा, ए वन दे दिया, ठीक, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने yes, sir. जो क्वेश्चन पूछे थे क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so arithmetic operator, arithmetic expression, आप कुछ समझे? Yes, no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक कोडिंग भी हो गया आपका इस तरह का। इस प्रोग्राम को आप कोडिंग करिए, ठीक है, इसको आप वहां टाइप करिएगा तो आपको 17 आंसर आ जाएगा। इसको जब आप टाइप करिएगा, आप लोग करके दिखाएगा तो 17 आंसर आ जाएगा। अब देखिए रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये क्या करता है, दो को जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, यूज टू कंपेयर द टू ऑपरेंड्स। सो जैसे देखिए एक्स मॉड टू जो है, ठीक है, x mod 2 equal to 0, so a condition check करेगा whether x is even number or odd, so the relational expression जो है 1 देगा if x is even number otherwise 0, मतलब program to check that a given number is even or not, उसके लिए condition है x mod 2 equal to 0। तो मैं आपको यहाँ program नहीं बता रहा, हम relational operator बता रहा है, equal to, ठीक है, a not equal to b, ठीक है, a not equal to b, so it is used to check whether a is not equal to b, okay, so this expression result 1 if a is not equal to b otherwise 0, और a plus b equal to x plus y, यदि ये दोनों equal होंगे a plus b और x plus y तो ये result देगा yes और else no, ये यदि true होगा तो result देगा 1 else 0। तो ये है आपका relational operator। जैसे इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, नो सर। ओके, सो ये प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम समझिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू चेक अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है, सो आप एक प्रोग्राम लिखेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद लिखेंगे इंट मेन, यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए इंट x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, x जो है 4 आपको दिया हुआ है, तो इफ इफ हम आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट इतना तो आपको समझदारी है ही, x mod 2, ठीक है, आपको मॉड पता है x mod 2 क्या होता है, ये मॉड ऑपरेटर पता है? नो सर। यस नो, भाई वीडियो दिया है यार। यस सर, वीडियो मिला, वीडियो दिया ना x mod का, दिखा दें, कोई बताएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा? यस सर, कोई एक्सप्लेन करेगा मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड कैसे निकालते हैं? अरे भाई तुम लोग कुछ ना पढ़ रहे हो, अरे इस वीडियो में दिया है मैंने, सर मॉडुलस में रिमाइंडर को लिखते हैं, तो इतने देर से कहाँ थे, इतने देर से कहाँ थे यार, ये तो लिखा तो है, देखो ये नहीं दिया है वीडियो, बोलो। Yes, sir. ये वीडियो दे दिया है ना आपको, ए मॉडुलस है, चलिए यहाँ आ गए, तो ये है मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, सो ए वाला हो गया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एक्स मोड टू इक्वल टू, तो एक्स का वैल्यू कितना है, देखो भाई ना बोलोगे तो नहीं समझोगे, एक्स का वैल्यू 4 है, तो 4 मॉड 2 कितना होगा, 4 मॉड 2 0 होगा, 2 4 मॉड 2 कितना होगा, चैट बॉक्स में टाइप करिए सब लोग, टाइप करिए तो देखते हैं कितने लोग आए हैं, कितने लोग ज्वाइन करके
ओके सो क्या टाइप किया आप लोग? जीरो आयुष स्वरूप आवाज आ रही? यस सर आवाज आ रही? यस सर यस सर हाँ तो बीके कुमार को टू आया है और मनकेश्वर को माइनस टू कैसे आ गया यार? आयुष स्वरूप को पांच आया है वेरी पुअर स्टूडेंट यू इवन डोंट नो हाउ टू स्टडी क्या बोल यस आयुष यस सर तुम आयुष हो यस सर तुम्हारा पांच कैसे आ गया हाँ सर शॉक किए सर दो आ रहा है सर थोड़ा तो पढ़ लिया करो यार कभी कभी एक मोड टू फोर मोड टू कितना आएगा जिनको नॉलेज है अनम्यूट करके बोलिए जीरो सर जीरो राइट जीरो सर गुड जीरो तो जीरो आएगा जीरो तो सर जीरो आया यहाँ ए जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू जीरो है ये ट्रू है कि फॉल्स है ये ट्रू है या फॉल्स है ट्रू है तो यहाँ जाए इफ में जाएंगे कि एल्स में जाएंगे इफ में सर इफ में जाएंगे तो द नंबर इज इवन प्रिंट कर देगा नंबर इज इवन करके दिखाएंगे समझ गए करके दिखाएं समझ गए सर कर कर एक बार करके दिखा दीजिए सर दिखा दीजिए सर दिखा दीजिए हैं ओके इतना तेज हो जाएगा इसको इसे खाना डालो ना तो लेकिन ज्यादा नहीं रहने दो रहने दो छोड़ मत डालो और के डाल लेते तीन चार को अरे यार ज्यादा लहसुन कुटाओ तीन चार को डाल राहुल बंद करो हां देखिए देखिए यहां देखते जाइए हां बोलिए क्या टाइप करना है बोलते जाओ अरे बोलो देखिए ब्रैकेट सर देखिए int सर वेरिएबल डिक्लेयर वेरिएबल सर int x इक्वल टू 4 ठीक है अब लिखेंगे if यस सर x मॉड क्या टू टू इक्वल टू जीरो यस सर तो प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेंगे इवन नंबर नंबर सर यस सर ओके एल्स टी आर आई एन टी एफ प्रिंट एफ ठीक है अब लिखेंगे रिटर्न जीरो कोई कोई एनी एरर नो सेमी कोलन यस सर ऊपर वाले में सेमी कोलन छूट गया सर हो गया अब ठीक है यस सर यस सर देखिए तो इवेन नंबर आउटपुट दे दिया चार क्या है इवेन है कि ऑड है इवेन है सर इवेन इवेन लिख दिया आउटपुट क्या आना चाहिए ऑड ऑड नंबर आ गया ना यस सर ये प्रोग्राम था तो ये आपका चेक कर दिया यहाँ अंडरस्टूड यस सर अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर देखिए ठीक है लॉजिकल ऑपरेटर देखते जाइए यहाँ कि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है सब लोग ज्वाइन किया है ना नहीं तो फिर छूट जाएगा उनका ध्यान से सुनो ठीक है ध्यान से सुनो ठीक है ध्यान से सुनो तो जो लॉजिक इसी में बसंती आएगी ठीक है आगे आने वाले हैं हाँ ध्यान से सुनो नहीं तो फिर छूट जाएगा हाँ अभी आ रहा है अगला स्लाइड में बसंती आएंगे ठीक है ये देखो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है कि ग्रेटर देन को बोलते हैं मतलब इसको बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड और नॉट को
इसको एंड बोलते हैं, डबल एंड, डबल ऐसे ऐसे को एंड बोलते हैं, और इसको और बोलते हैं। तो देखिए जब ए वाला होगा तो इट टेस्ट कंडीशन चेक वेदर एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड एक्स इज लेस देन 6। ओके, एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड एक्स इज लेस देन 6। सो द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द कंडीशन आर ट्रू। जब दोनों ए ट्रू होगा तभी ए ट्रू इसको माना जाएगा, लेकिन जब और लिखेंगे तो कोई भी एक ट्रू हो तो उसको ट्रू माना जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर ए नोट लगा दिया है, ठीक है, सो इसका उल्टा हो जाएगा, जो नोट लिखा है वो उल्टा हो जाएगा। सो द टेस्ट कंडीशन चेक वेदर एक्स इज नोट ग्रेटर देन 10, इसका मतलब ये हुआ एक्स ग्रेटर देन 10 लिखा है लेकिन नोट लगाया है, तो एक्स इज नोट ग्रेटर देन 10। हाँ बोलो, कौन सा नहीं आ रहा? ये जो अभी ऊपर वाला बताया ना, जो एंड एंड लिखा है और ये डबल लाइन दिया हुआ, वो क्या है सर? देखो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, ये तीन तरह के होता है, इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, और इसको नॉट बोलते हैं, निगेशन। इसका मतलब क्या होता है, एंड गेट पढ़े हो कि नहीं, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ए जीरो होगा, ए जीरो, ए जीरो, ए वन होगा। एंड गेट पढ़े हो या नहीं? पढ़े हैं सर। तो ये एंड गेट हो गया, ए एंड गेट ही है ए वाला, ए एंड हो गया, ए और हो गया, ए नॉट हो गया, एनओटी। सब पढ़ा है तुम लोग, ऐसे बोलते हो नहीं आता, तो ये वाला हो गया। सो डाउट क्लियर? यस सर। ओके, सो हम प्रोग्राम देखते हैं। देखिए सिंपल प्रोग्राम फॉर एंड ऑपरेटर, ठीक है। सो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट में इंट एक्स इक्वल टू 4, ठीक है, एक्स 4 है यहाँ पर, इंट एक्स इक्वल टू 4 और वाई जो है 10 है। तो एक्स का एक चाय का कप ले लीजिए, इसमें 4 रख दीजिए, और एक वाई का कप ले लीजिए और इसमें 10 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक्स इज लेस देन 10 ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं बोल रहे हैं बच्चे, ज्वाइन कर रहे हैं सर। कुमार सानू, यस सर। हाँ, आर यू प्रेजेंट? यस सर। हाँ थोड़ा बोलो, ठीक है। यस सर से बोलते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो, देखो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है ना, तो थोड़ा बोलो, कंप्लीट करवा लो इसको। देखो एक्स इज लेस देन 10 ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू सर। तो यहाँ ट्रू लिखो, टी मतलब ट्रू, ट्रू को टी से लिखेंगे और ट्रू का मतलब 1 होगा, ठीक है। ट्रू माने 1, अब फॉल्स माने 0 0 0। सो ये ट्रू हो गया आपका। और वाई इज ग्रेटर देन 5 ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर, ए ट्रू है। तो ए वाला ऑपरेटर में जब दोनों ट्रू हो तो क्या होगा? यहाँ लिखा है यहाँ दोनों ट्रू होगा सर, दोनों ट्रू होगा, तो ट्रू हो जाएगा। तो ए टोटल ट्रू हो गया, ए टोटल, ठीक है। सो इफ में जब ट्रू आता है, इफ में ट्रू आएगा तो कहाँ जाते हैं, पहले वाला में कि एल्स वाला में? एग्जीक्यूट पहले वाला में। हाँ तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो मैं काट दे रहा हूँ। ओके, सो कंडीशन इज ट्रू, यही प्रिंट कर देगा, तो यही तो है, ठीक है, यही है, कर लेंगे। यस सर। टाइप करिएगा आप लोग, ऑपरेटर, हाँ यस यस करने से नहीं होगा, टाइप करना होगा, ठीक है, बना के दिखाइए। ओके, आप लोग ना बना बना के ग्रुप में डालिए प्रोग्राम। ओके सर, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम वाला ग्रुप में ना सर? यस यस, ठीक है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें आप लोग प्रोग्राम, अभी ज्वाइन ही नहीं किए हैं लोग, उसमें ज्यादा लोग हैं ही नहीं, 20 लोग हैं सर, पता ही नहीं है। हाँ चैट बॉक्स में दे दिए, ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट में जाने के समय। ओके सर, ज्वाइन कर लीजिएगा, और डाउट हो तो उसी में टाइप करिएगा, ठीक है, और आप गलत टाइप करेगा तो हम डिलीट कर देंगे बाद में,
इसीलिए टेलीग्राम रखे हैं, तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें प्रोग्राम बना बना डालिएगा आज वाला सब, ओके। और मोबाइल में भी टाइप होता है प्रोग्राम, सी का प्रोग्राम, यूट्यूब में वीडियो देखिएगा। अब देखिए ये वाला ऑपरेटर है, इसका नाम क्या है? और सर, और गुड। तो एक्स जो है 4 है और वाई 9 है, तो एक्स इज लेस देन 6, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स है, फॉल्स होगा सर, फॉल्स फॉल्स। एक्स इज लेस देन 6 ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर, ट्रू हो गया, ट्रू है सर। तो इसमें तो क्या होता है और गेट में कि 0 0 0 1 1 0 1, इनके लिए 1 होगा और इनके लिए 0 होगा, तो ये तो पूरा ट्रू ही होगा, ठीक है? यस सर, क्योंकि ये ट्रू तो इफ में ट्रू होता है तो यहाँ जाएगा, तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका और ऑपरेटर का, मतलब एंड और ऑपरेटर का एग्जाम। अब एक है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, कंडीशनल एक्सप्रेशन। सो देखिए, एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा आपका एक्सप्रेशन, और ए यदि ट्रू होगा इस तरह से, और एक्सप्रेशन टू होगा, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ कोलोन रहेगा एक्सप्रेशन 3, तो ए क्या है, व्हाट का साइन है, तो ये ट्रू होगा तो इसमें जाएंगे, और ए वाला यदि फॉल्स होगा ए वाला तो यहाँ जाएंगे। ये आपको याद रख, तो हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, यही देखिए आप। अब मान लीजिए कि हम लिख दिया कि ए हम पूछेगा, नाम लेकर के पूछेगा, हम x इक्वल टू 5 लिखा, ठीक है। सो x इज ग्रेटर देन 2 और व्हाट का साइन है, ठीक है, और यहाँ लिखा है पटना और कोलोन लिख के लिखा है दिल्ली, तो आप कहाँ जाइएगा बोलिए, आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा? पटना जाएंगे सर। कैसे? x 2 से बड़ा है, यस ट्रू है, ट्रू है तो पटना होगा। अब मान लीजिए यहाँ 21 लिख दी, तो क्या होगा? दिल्ली, दिल्ली सर, जाएंगे सर, दिल्ली चलो, दिल्ली जाएंगे सर, दिल्ली जाएंगे। प्रोग्राम आप तो देखिए, इसका जो प्रोग्राम है आपका, देखिए आपका एज जो है 25 ईयर लिखा हुआ, मान लीजिए आप लोग तो अभी बच्चे हैं, 17 साल के हैं, ठीक है, 16 साल लिख लीजिए। तो देखिए, एक कैरेक्टर डेटा टाइप है और स्टेटस लिखा है, ठीक है। सो देखिए, अच्छा 16 नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो हम लोग का भारत का संविधान में प्रॉब्लम होने लगेगा ना। सो देखिए, एज इज ग्रेटर देन 22, हमने इनपुट दिया है 25, तो एज 22 से बड़ा हो, यस ट्रू है, तो देखिए एम को प्रिंट करेगा, और फॉल्स होगा तो यू को प्रिंट करेगा। तब चेक कर रहे हैं कि इफ स्टेटस इक्वल टू एम, ठीक है, स्टेटस में क्या स्टोर होगा, इसमें एम स्टोर होगा क्योंकि ये ट्रू है, तो यदि एम है तो ए भी ट्रू हो गया, तो इफ में ट्रू होगा तो सामने वाला को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मैरिड होंगे, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस चेक करने के लिए भी इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अभी तो कोई डाउट सर, डबल इक्वल टू यूज कैसे होता है? ये चेक करने के लिए, ये जो है देखिए, सिंगल इक्वल टू जो है इसको बोलते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब हमने एक्स इक्वल टू 5 लिखा, तो एक्स में 5 स्टोर हो गया, एक्स एक वेरिएबल है मेमोरी में, इसमें 5 स्टोर हो गया। अब देखिए, अब यदि हम लिख रहे हैं कि x इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हुआ कि x एक वेरिएबल है, ठीक है, अलग है, ठीक, उसमें कोई वैल्यू है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 2 है, तो एक कंपेयर करेगा कि जो x में वैल्यू है वो क्या 5 के बराबर है।